जनाब अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप घर बैठे बिठाए पाकिस्तान रेलवेज की ऐप को इस्तेमाल करके एडवांस टिकट बुक करा सकते हैं ट्रेन पर कहीं भी जाने और आने के लिए। मैं ज़ाती तौर पे फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ लाहौर से रावलपिंडी, रावलपिंडी से लाहौर, तो उसके लिए मुझे पहले पाकिस्तान रेलवेज के दफ्तर प्रैक्स के दफ्तर जाना पड़ता था और वहाँ जाकर भी कई दफ़ा अगर 10-12 मुसाफिर इकट्ठे होते थे तो लाइन में लग के घंटा सवा घंटा बोल हो जाता था इसी चक्कर में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने ये ऐप में एक फीचर ये डाला है कि अब हम घर बैठे बिठाए अपनी मर्जी की सीट्स सिलेक्ट कर सकते हैं, बोगी सिलेक्ट कर सकते हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं पेमेंट्स के, जैसा कि वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, मुख्तलिफ बैंक्स के डेबिट क्रेडिट कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, UBL Omni अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं और अब तो बल्कि जैज़ कैश भी आ गया है, आप इवन जैज़ कैश के थ्रू भी पैसे पे कर सकते हैं। मैं पर्सनली बस के ऊपर ट्रैवल करना पसंद नहीं करता, कंजेस्टेड स्पेस होती है, 4-5 घंटे के सफ़र में मैं उसमें तंग पड़ जाता हूँ, तो आई प्रेफर यूजिंग द ट्रेन और जहाज़। यू नो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मेरे ख्याल में इट इज़ पॉइंटलेस कि बंदा जहाज़ में सफ़र करे, पिंडी जाए और वापस आए, सो ट्रेन इज़ द बेस्ट। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे टिकट बुक होगा। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आप इस ऐप को पाकिस्तान रेलवेज ऑफिशियल के नाम से ढूंढ सकते हैं। आपको दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पर और ये आइकॉन पाकिस्तान रेलवेज़ की ऐप का बन जाएगा आपके होम स्क्रीन पर इंस्टॉलेशन के बाद। मैं इसको ओपन करता हूं और मैं सबसे पहले बुकिंग के ऊपर क्लिक करूंगा। ये मैंने क्लिक कर दिया बुकिंग पर और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से पर मौजूद हैं। अगर आप मोबाइल ऐप से बुकिंग करवाते हैं तो आपको ये बातें याद रखनी होंगी कि दौरान सफ़र अपना शनाख्ती कार्ड हमरा रखें, अपना मोबाइल जिस पर SMS भेजा गया दौरान सफ़र अपने पास रखें और टिकट चेकर के तलब करने पर उसे SMS दिखाएं। SMS पाक रेल या 8336 से भेजा जाता है, लिहाजा फॉरवर्डेड SMS काबिले कबूल नहीं होगा। बड़े गौर से सुन लें कि SMS पाक रेल या 8336 8336 से भेजा जाता है, लिहाजा फॉरवर्डेड SMS काबिले कबूल नहीं होगा और मुसाफिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SMS डिलीट होने की सूरत में आप अपने होम पेज से अपने आप को SMS दोबारा भेज सकते हैं ऐप के ज़रिए और मुसाफिरों की सहूलत के लिए बुकिंग की तफसील ईमेल में भी भेजी जाती है, आप उस ईमेल का प्रिंट भी निकाल सकते हैं, वो भी काबिले कबूल होगा। मिसाल के तौर पे ये पाकिस्तान रेलवेज़ की ईमेल जो मुझे आई थी, मैं अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, क्लिक हेयर टू प्रिंट योर टिकट, तो ये एक ई टिकट ओपन हो जाएगा। इसका मैं प्रिंट आउट ले सकता हूँ, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। स्क्रीनशॉट का तो खैर मैं नहीं कहता, लेकिन आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है कि कहाँ से आप जाएँगे और कौन से स्टॉप पर आपने जाना है, इस पर CNIC वगैरह और किराया वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो अब मैं ऐप को चलाता हूं, मैंने ऐप खोली दोबारा से और बुकिंग के ऊपर क्लिक किया। ये जो प्लस साइन बना हुआ है यहां पर, ये अब बुकिंग की स्क्रीन खुलेगी और मैं यहां पे प्लस पे क्लिक करूंगा। एक आदमी है और फिर मैं तारीख सेलेक्ट करूंगा, मैंने 9 तारीख को जाना था, 10 तारीख को, सॉरी, हाँ मैंने तारीख सेलेक्ट की, फ्रॉम पे क्लिक किया और मैं रावलपिंडी से जा रहा हूँ लाहौर, तो मैंने रावलपिंडी यहाँ पर टाइप किया, सेलेक्ट किया और टू में मैंने लाहौर डालना है, तो ये लाहौर आ गया, लाहौर जंक्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं प्रोसीड, सबसे नीचे बड़ा बटन है, इस पर क्लिक करूँगा और आगे जितनी ट्रेन जिस दिन जा रही हैं इस तारीख को उनकी लिस्ट आ जाएगी। ये देख सकते हैं रात 12:30 बजे वाली, रात 1:50 वाली, सुबह 7 बजे वाली ट्रेन, अच्छा सुबह 7 बजे वाली रेल कार है सुबह खराम और इसके 5 स्टॉप्स हैं, ये ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। चलें देखते हैं कि इसका किराया क्या है। पार्लर कार के मैं सी फेयर पे करता हूँ तो 950 किराया है, एसी लोअर का किराया है 720, एसी बिजनेस का किराया है 910 और इकोनॉमी का किराया है 410 रुपये एक पर्सन का, और सीट और बर्थ का किराया थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो 460 रुपये होता है। ये आपको राइट साइड पे दिखा रहा है, तो मैंने अब यहाँ पे सीटों के बटन के ऊपर क्लिक किया है तो उसमें दिखा दिया कि कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर मौजूद हैं। 11 हैं एसी बिजनेस में खाली, इकोनॉमी में 49 हैं। मैं एसी बिजनेस के सामने बने हुए हाथ पे क्लिक करूँगा
मुझे दिखा देगा अगला फॉर्म जिसमें मैं अपने किसी एक सवारी का मोबाइल नंबर डालूंगा और किसी एक सवारी का नाम और किसी एक सवारी का शनाख्ती कार्ड, ये तीनों चीज़ें एक ही बंदे की आपने डालनी है। मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाला है और अब मैं यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भी डालूंगा बग़ैर डैशेस के, लेकिन वो मैं यहाँ पे छुपा दूंगा प्राइवेसी के लिए। जो सीट हरी है वो खाली है, जो सीट सुर्ख है वो ऑलरेडी बुक हो चुकी है, तो आप ये देख सकते हैं 81S एक खाली सीट है। ऐसे ही ज़्यादातर सीटें जो सुर्ख हो चुकी हैं, तो इनमें से जो सीट मुझे चाहिए होगी उसको मैं सिलेक्ट कर सकूंगा हरी सीटों में से। तो बहरहाल मेरा दिल नहीं है इकॉनमी पे ट्रैवल करने को, तो इसलिए मैंने यहाँ से सीटें चेक करके मैं बैग जाता हूँ और दोबारा से मैं एक और डब्बा सिलेक्ट करूँगा। मैं इस दफ़ा एसी बिज़नेस क्लास को सिलेक्ट करूँगा। ये आप देख सकते हैं एसी बिज़नेस क्लास में 11 सीट्स खाली हैं, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और यहाँ पर ये बुरी बात है कि मुझे अपना फ़ोन नंबर दोबारा डालना पड़ा और अपना वो नाम वगैरह और आईडी कार्ड वगैरह, हालांकि ये चीज़ें मैंने पहले डाली थी एक दफ़ा, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं, ये स्मॉल अनाउंस है। एसी बिज़नेस में मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी सीट्स खाली हैं। तो जनाब अली, अब यहाँ पर मैं एक सीट सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि मैंने शुरू में नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स एक रखा था, तो अगर मैं यहाँ पर दो सीट्स सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये ऐप मुझे ऐसा नहीं करने देगी, ये कहेगी कि आपने पैसेंजर एक सिलेक्ट किया हो तो आप सीट्स दो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने AU3 सीट को सिलेक्ट किया। अब इसके बाद अगर मैं कोई और सीट सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे ये पहली सीट अनसिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये देखिए मैंने AU6 किया तो कहता है भैया आपने एक पैसेंजर सिलेक्ट किया हुआ, तो मैंने पहले ही को अनचेक करके AU6 सीट नंबर को सिलेक्ट कर लिया और अब मैं बुक नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब अगली स्क्रीन के ऊपर ये मुझे दिखाएगा पेमेंट के ऑप्शंस, जिनमें के डेबिट क्रेडिट कार्ड होगा सबसे नीचे, उसके ऊपर UBL ओमनी एजेंट दुकान से और सबसे ऊपर UBL ओमनी मोबाइल अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। आजकल जैज कैश भी आ गया हुआ है इसमें, तो खैर मैंने UBL क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्लिक किया। इसमें कोई भी क्रेडिट कार्ड हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि UBL का ही डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हो। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तफसीलात मेरे टिकट की दिखा रहा है, ये टाइम वगैरह, मेरा शनाख्ती कार्ड, मोबाइल नंबर और ट्रेन का नाम, और 18 रुपये क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग के चार्जेस हैं एक सीट के पीछे, तो बहरहाल 18 रुपये से ज़्यादा तो जाने का ख़र्चा हो जाता है। अब अगले ऑप्शन पे मैंने अपना एक कार्ड टाइप सेलेक्ट की, जोन सा मेरे पास कार्ड है, और उसके बाद फिर मेरा ऑर्डर प्रोसेस होने में थोड़ी देर लगाएगा। इसके अलावा बैंक जो है वो वेरिफिकेशन वगैरह करने के बाद इसने बता दिया है कि जनाब 928 रुपये डिडक्ट हो गए हैं मेरे कार्ड से। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया एहतियाती तौर पर, ओके का बटन दबा दिया मैंने, और अब यहाँ पे मेरे कंफर्म्ड ऑर्डर्स में ये नज़र आ रहा है कि मेरी एक सीट है AU6 की, जिसकी पेमेंट मैंने कार्ड के थ्रू की है। अब मैं यहाँ अगर वापस जाऊँ मेन ऐप में और कंफर्म्ड के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे ये दिखा देगा कि मेरी कौन सी कन्फर्म्ड सीट्स हैं। इसके अलावा मुझे SMS नोटिफिकेशन भी आ गया है, वही SMS जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि 8336 से आया हुआ SMS आपके पास होना लाजमी है ई टिकट की सूरत में। मैं ऊपर से ड्रॉप डाउन करता हूं तो देखिए मुझे एक ईमेल भी आ चुकी है पाकिस्तान रेलवेज़ की। इस ईमेल में एक लिंक होगा, अगर मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखिए यहां पे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू प्रिंट योर टिकट, सो मैंने यहां पे क्लिक किया और वेबसाइट ओपन होगी, उसमें मेरा टिकट शो हो जाएगा, उस टिकट को मैं प्रिंट कर सकता हूँ और वो प्रिंट किया हुआ टिकट भी काबिल कबूल होगा। ये देख सकते हैं आप तमाम मालूमात इस टिकट के ऊपर मौजूद हैं मेरे बारे में, मिसाल के तौर पे मेरा आईडी कार्ड वगैरह और दीगर मालूमात, कितना किराया है। हाँ जनाब, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और कारामद लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, तो आप प्लीज़ इसको अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिएगा और अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। इसके अलावा मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि नईम साहब मोबाइल्स वगैरह रिव्यू किया करें, टैबलेट्स मोबाइल्स, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ कनेक्शंस एंड रिसोर्सेज, तो वो तो खैर मैं शायद ना कर सकूं,
वीडियोस वगैरह बना लेता हूँ, कुछ सामान है, कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, बट लेट्स सी इंशाल्लाह अगर कुदरत कमज़ोर हुआ तो हम इस डायरेक्शन में भी ज़रूर जाएंगे, आई वुड लव टू डू दैट। और आपके ख्याल में अगर कोई ऐसी ऐप है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, जिसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सादा और आसान लफ्जों में जो आप सीखना चाहते हैं, जस्ट लेट मी नो, मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं आपके लिए उसके ऊपर कोई मटेरियल क्रिएट करूँ। तो डू लाइक द चैनल एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।